एक मिनट, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंटरनल बात बताऊं। तो रोज की तरह हमारी टीम फिर लग गई रिसर्च करने में कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में है। लेकिन फिर हम लोगों को कुछ याद आया कि हमारे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हम लोग कोर्सेज में कुछ नया नया पढ़ाते हैं, वीडियो में कुछ नया नया पढ़ाते हैं, लेकिन क्या उन्हें ये सारी चीज़ें याद रहती हैं? उन्हें छोड़ो, हम लोग इतने सालों से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, क्या हमें सारी चीज़ें याद आती हैं? फिर हमने अपने आसपास के सराउंडिंग को देखा, वी सॉ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग स्टडिंग 14 आवर्स अ डे, लेकिन आखिरी में नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि कुछ याद ही नहीं रहता। आपको नहीं लगता कि ये जो बेसिक लर्निंग है उसमें पढ़ने लिखने के अलावा हाउ टू एनहांस योर मेमोरी जैसी चीज़ें भी सिखानी चाहिए? तो बस हमारी टीम को एक नया टॉपिक मिल गया और हम लोग लग गए रिसर्च में। मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च पेपर्स पढ़े, अपने और अपने टीचर्स का एक्सपीरियंसेस डाला, पर समथिंग मेजर वॉज मिसिंग। फिर हम लोगों को कुछ याद आया। आपको याद है हमारे इंडिया में गुरुकुल हुआ करते थे, वो गुरुकुल जिसमें इंडिया के धरोहर वेदों को पढ़ाया जाता था, वो ऋग्वेद जिसके 10,600 मंत्रों को गुरु बिना लिखे कंठस्थ यानी कि याद कराते थे, जिससे हमें एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि हमारे ब्रेन में कैपेसिटी तो है मल्टीपल चीज़ें एफिशिएंट वे में याद करने की, पर कहीं ना कहीं हम टेक्निक पीछे छोड़ आए हैं। प्राचीन गुरुओं के पास ऐसी कौन सी टेक्निक थी जो हम तक नहीं पहुँच पाई? बस इसी एक खोज में हम लोगों को जो सारी चीजें मिली वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है वेद ह्यूमन काइंड का ओल्डेस्ट लिटरेचर है। ये एग्जिस्ट तो बहुत समय पहले से करता था, लेकिन इसे लिखा गया 2,500 साल के बाद। तो ये जो 2,500 साल तक पुराने लोगों ने इतनी मैसिव इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर कैसे की और उसे पास ऑन कैसे किया, वो भी बिना किसी टाइनी मिस्टेक के? क्योंकि याद रहे, श्लोक में अगर हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो उस श्लोक का पूरा मतलब बदल जाता है, उसमें स्टेप मार्किंग जैसी चीज़ें नहीं होती। तो इतना समय तक उन्होंने इतनी मैसिव इन्फॉर्मेशन याद कैसे की? जब हमने इसका आंसर ढूंढा तो हमें उनकी कई सारी टेक्निक्स पता चली जो हम आज के समय में बिल्कुल लागू कर सकते हैं। तो पहली प्रैक्टिस थी अवधाना, उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रैक्टिस, जिसे आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी कहा जाता है। अवधाना संस्कृत वर्ड अवध से डिराइव होता है, जिसका मतलब है टू डायरेक्ट द माइंड। थ्रू अवधाना पीपल यूज टू गेन मास्टरी ऑफ मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशन। द प्रैक्टिस वॉज बेसिकली यूज टू इंक्रीज द मेमरी स्पैन ऑफ अटेंशन एंड टू मेक अवधानीज कॉन्शियस ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। अवधानीज ये प्रैक्टिस कैसे किया करते थे? तो अवधानीज को एक समय में मल्टीपल टास्क दिए जाते थे टू परफॉर्म। जैसे अगर किसी अवधानी को एक पोएम कंपोज करना है तो साथ में उसे एक मैथमेटिकल पजल भी सॉल्व करने को दिया जाता था, और ये सब उसे करना होता था किसी मंत्र का सही जाप करते हुए। इतना ही नहीं, जब ये सारी प्रोसेस होती थी तो पीछे एक बेल बजाई जाती थी, और पूरे टास्क होने के बाद उसे आखिरी में ये बताना होता था कि बेल कितने बार बजाई गई है। या फिर और एक प्रैक्टिस होती थी कि वाइल यू आर चैंटिंग अ मंत्रा आपको एक पर्टिकुलर शब्द दे दिया जाएगा, उस वर्ड को स्किप करके आपको पूरा मंत्र कंप्लीट करना होता है, वो भी इन द गिवन टाइम। आपको अगर ये इम्पॉसिबल लग रहा है तो बता दूं कि आज भी मॉडर्न डे अवधाना साउथ इंडिया के बहुत से जगहों में प्रैक्टिस होती है, जैसे बैंगलोर। तो बेसिकली दे यूज टू ट्रेन देयर माइंड्स, और इस सेशन का बाय प्रोडक्ट ये होता था कि उन्हें वेदों के हजारों की संख्या में लिखे गए मंत्र याद हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने उस एफिशिएंसी से अपने ब्रेन को ये एक्टिविटी से ट्रेन किया होता था। लेकिन हम लोग एक गलती करते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेमोरी एनहांस करना एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जैसे एक फॉर्मूला याद हो जाए या फिर एक कंसेप्ट एग्जाम तक याद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, एनहांसिंग योर मेमोरी इज अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। और ये आप कैसे कर सकते हैं? बाय लर्निंग न्यू थिंग्स। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक ऐसे एक्टिविटी करना है जिससे आप कुछ नया सीख सकें, जैसे लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लर्न अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, प्ले माइंडफुल गेम्स जैसे रूबिक्स क्यूब, चेस, या फिर राइट अ पोएम। और आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी एनहांस होने लगेगी। अब आप बोलेंगे कि ये जो न्यू चीज़ें हैं वो मेरी पढ़ाई में क्या काम आएंगी? आप ऐसा सोचिए कि न्यू चीज़ें याद करने से आपकी मेमोरी एनहांस हो रही है, जिससे आपके पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी। आपने वो बचपन में बच्चे देखे होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ डांस भी सीख लिया करते थे, गाने भी सीख लिया करते थे, और साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपना हाथ आजमा लिया करते थे। आपने भी किया होगा, वो एक तरीके का अवधाना ही था, ट्रेनिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ योर ब्रेन कंटिन्यूसली, मेकिंग योर ब्रेन रेडी टू अडैप्ट न्यू थिंग्स कंटिन्यूसली। और उसका फायदा क्या होगा, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, कि आपको चीज़ें याद रहने लगेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने रहेंगे अलग अलग एरिया से चीज़ें याद रखने में। अच्छा मुझे बताइए, आपको आपके जीवन के सॉन्ग्स तो बड़े जल्दी याद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप सॉन्ग्स फन और कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनते हैं, और शॉर्ट्स और रील्स की वजह से आपका रिविजन भी हो जाता है। बस यहीं से हमें वेद की और एक प्रैक्टिस पता चलती है, श्रुति और स्मृति। श्रुति जिसका मतलब होता है व्हाट हैज बीन हर्ड, और स्मृति जिसका मतलब होता है व्हाट हैज बीन रिमेम्बर्ड। आप देखेंगे कि पुराने
समय में लोग सिर्फ मंत्र पढ़ते नहीं थे बल्कि सब मिलके अपने हैंड और हेड के जेस्चर्स के साथ मंत्रों का जाप करते थे। आप देखेंगे कि ऐसे समय में आपके मैक्सिमम सेंसेस आईज ईयर्स टंग स्किन बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और ये समय में आपका कॉन्सेंट्रेशन पीक में रहता है। क्योंकि बता दूं कि मेमोरी सिर्फ एक जगह स्टोर नहीं होती, अलग अलग सेंसेस की मेमोरी अलग अलग जगह स्टोर होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई चीज़ याद करने जाएं तो उसे श्रुति और स्मृति की प्रैक्टिस के द्वारा करिए। उसे सुनिए, उसे दोहराइए, उसे जोर जोर से बोलिए, हो सके तो गुनगुनाइए और बार बार उसे रिपीट करके उसे याद करने की कोशिश करिए। इसके अलावा और भी जो चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हैं बाय ब्रेकिंग एनीथिंग इनटू बिट्स एंड टर्निंग इट इनटू निमोनिक्स और एब्रिवेशंस। ये एंशियंट समय में भी प्रैक्टिस होता था। मंत्रों का उच्चारण करने के लिए 8 पार्ट होते थे और हर एक पार्ट के रिसाइटेशन टेक्निक अलग। आपने भी ये प्रैक्टिस ऑलरेडी की हुई है, जैसे रेनबो के कलर्स याद करने के लिए विप जी और जो आप आज तक नहीं भुला पाए, या फिर तोड़ने की बात करें तो आप देखेंगे कि 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर एक साथ याद करने के बजाय उस नंबर को 5 की दो कैटेगरीज में तोड़ने से इट बिकम्स इजी। फिर एक जो प्रैक्टिस जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी लगती है और ये प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ करती हूँ वो है अपना समझा किसी और को समझाना, जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लैरिटी से दिमाग में बैठ जाता है और आपको लंबे समय तक याद रहता है। वैसे अगर मेमोरी लॉस के मेजर रीजंस देखें तो वो है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेस और नींद पूरी ना होना। अगर आप पुराने समय में देखेंगे तो गुरुकुल में रिलीजियसली एक चीज प्रैक्टिस होती थी, उनके टाइम टेबल में इंक्लूडेड होता था प्रॉपर एंड गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, मेडिटेशन एंड डेली फिजिकल एक्सरसाइज। तो गुड क्वालिटी स्लीप इज वेरी मच नेसेसरी इफ यू आर रियली ट्राइंग टू एनहांस योर मेमोरी। साथ साथ आपको मेडिटेशन भी डेली बेसिस में करना होगा, जिससे आपके बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होगा विच हेल्प्स यू टू रेगुलेट योर मूड, और उसके साथ डेली फिजिकल एक्सरसाइज जिसके साथ आपके ब्रेन के सेल्स ग्रोथ में हेल्प करता है और आपके बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर एमिट करता है। तो अगर आप पढ़ाई को 14-14 घंटे दे रहे हैं लेकिन अगर उसके साथ आप कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी फ्रेंड, दोस 14 आवर्स माइट नॉट सर्व यू। सो द बॉटम लाइन इज मेमोरी एनहांस करना इज अ स्किल और ये स्किल में आप मास्टरी तब पाएंगे जब आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये स्किल सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी इसे सीखना शुरू कर सकते हैं। आप डेफिनेटली अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट पाएंगे और अगर कहीं अटक जाओ तो हिस्ट्री की कुछ प्रैक्टिसेस देख लेना। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2008 में यूनेस्को ने वैदिक चैंट को क्लासिफाई किया था एज अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमैनिटीज ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज। अब अगर वेदों की बात हो ही रही है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके मुझे 4 वेदों के नाम बता दो, याद करके बताना गूगल करके नहीं। अगर आप करंट अफेयर से ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन क्विकली गो एंड चेक आउट आवर कोर्सेज जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बिफोर लीविंग हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन कीप लर्निंग।